तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर लर्निंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड की टॉप 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस से। और अगर आप सभी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के फैन हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10th एक्ट्रेस का नेम है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे की डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1998। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 24 ईयर। अनन्या पांडे ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था ईयर 2019 में फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवी का नेम है खो गए हम कहां। अनन्या पांडे पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 4 करोड़ रुपीस। हमारी 9th एक्ट्रेस का नेम है कृति सनन। कृति सनन की डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1990। का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 32 ईयर। कृति सनन ने ईयर 2014 में अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी हीरो पंती। और कृति सनन की अपकमिंग मूवीज के नेम है शहजादा, आदि पुरुष, गणपत, भेड़ या मैनी मोर। कृति सनन पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 6 करोड़ रुपीस। हमारी 8th एक्ट्रेस का नेम है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1987। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 35 ईयर। बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि श्रद्धा कपूर ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी आशिकी 2। और आपको बता दें कि आशिकी 2 रिलीज हुई थी ईयर 2012 में। और श्रद्धा कपूर ने अपना डेब्यू किया था ईयर 2010 में फ्रॉम दी मूवी 3 पत्ती। और श्रद्धा कपूर की डेब्यू मूवी यानी कि 3 पत्ती ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया। और ईयर 2013 में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी आशिकी 2 से श्रद्धा कपूर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। श्रद्धा कपूर पर फिल्म के लिए चार्ज करती है 9 करोड़ रुपीस। 7th एक्ट्रेस का नेम है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1988। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 34 ईयर। अनुष्का शर्मा ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था ईयर 2008 में फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी रब ने बना दी जोड़ी। और अपनी डेब्यू मूवी में ही अनुष्का शर्मा को काम करने का मौका मिला था शाहरुख खान के साथ। और ईयर 2017 में अनुष्का शर्मा ने शादी की थी विराट कोहली से। और विराट कोहली को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। और अनुष्का शर्मा पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 9 करोड़ रुपीस। हमारी 6th एक्ट्रेस का नेम है सारा अली खान। सारा अली खान ने बहुत कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी जगह बना ली है। सारा अली खान की डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1995। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 27 ईयर। सारा अली खान ने 2018 में अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी केदारनाथ। और सारा अली खान की अपकमिंग मूवी का नेम है गैस लाइट। सारा अली खान पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 6 करोड़ रुपीस। 5th एक्ट्रेस का नेम है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी की डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1992। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 30 ईयर। कियारा आडवाणी ने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में ईयर 2014 में फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी फगली। और कियारा आडवाणी की अपकमिंग मूवीज के नेम है KC-15, गोविंदा नाम मेरा, सत्य प्रेम की कथा एंड मैनी मोर। और कियारा आडवाणी के बॉयफ्रेंड का नेम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। बात करें कियारा आडवाणी के पर फिल्म सैलरी की, तो कियारा आडवाणी चार्ज करती है 8 करोड़ पर फिल्म। 4th एक्ट्रेस का नेम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। आलिया भट्ट को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट की डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इंडिया 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 29 ईयर। आलिया भट्ट ने ईयर 2012 में अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और अपनी डेब्यू मूवी में ही आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। और ईयर 2022 में आलिया भट्ट ने शादी की थी रणबीर कपूर से। और बहुत जल्द आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर पेरेंट्स बनने वाले हैं। आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी का नेम है ब्रह्मास्त्र। आलिया भट्ट पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 11 करोड़ रुपीस। 3rd एक्ट्रेस का नेम है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ की डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1983। इनका जन्म हांगकांग में हुआ था। ईयर 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 39 ईयर। कैटरीना कैफ ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था ईयर 2003 में फ्रॉम दी बॉलीवुड मूवी बूम। और अपने डेब्यू मूवी में कैटरीना कैफ को काम करने का मौका मिला था बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ। ईयर 2021 में कैटरीना कैफ ने शादी की थी विक्की कौशल से। और कैटरीना कैफ के अपकमिंग मूवीज के नेम है फोन बूथ, मैरी क्रिसमस, टाइगर 3। कैटरीना कैफ पर फिल्म के लिए चार्ज कर
करती हैं 12 करोड़ रुपीस। लिस्ट की सेकंड एक्ट्रेस का नेम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1982। इनका जन्म जमशेदपुर बिहार में हुआ था एंड ईयर 2022 के हिसाब से प्रियंका चोपड़ा की एज हो चुकी है 40 ईयर। प्रियंका चोपड़ा ने ईयर 2003 में अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। और प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग मूवी का नेम है इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी। ये मूवी रिलीज होगी ईयर 2023 में। ईयर 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने शादी की थी निक जॉनस से और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्म के लिए चार्ज करती है 14 करोड़ रुपीज। लिस्ट की फर्स्ट एक्ट्रेस का नेम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986। इनका जन्म डेनमार्क में हुआ था एंड ईयर 2022 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 36 ईयर। दीपिका पादुकोण ने ईयर 2007 में अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी ओम शांति ओम। और अपने डेब्यू मूवी में ही दीपिका को काम करने का मौका मिला था एसआरके के साथ। और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी यानी कि पठान रिलीज होगी ईयर 2023 में और इसमें भी दीपिका हमें देखेंगी शाहरुख खान के साथ। ईयर 2018 में दीपिका पादुकोण ने शादी की थी रणवीर सिंह से। और अगर बात करें दीपिका पादुकोण की सैलरी की तो दीपिका पादुकोण पर फिल्म के लिए चार्ज करती हैं 15 करोड़ रुपीज। सो गाइस ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है कमेंट करके जरूर बताएं।